हेलो फ्रेंड्स, सत्र लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी लोगों द्वारा पूछा जाता है कि क्या एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट यानी जज और मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एसोसिएशन किस जारी कोर्ट वर्सेस गुजरात राज्य में ये अभिधारित किया है कि व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी पद या पदनाम का हो, अगर उसने अपराध कृत किया है तो वो सजा का भागीदार बनेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपराधी कृत करने वाला व्यक्ति या आम व्यक्ति है या कोई न्यायिक अधिकारी है या कोई जज या मजिस्ट्रेट। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान के अनुसार व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो लो इनकम व्यक्ति हो या हाई इनकम व्यक्ति हो या एक चौकीदार हो या प्रधानमंत्री हो, सभी बराबर हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसने अपराधी कृत किया है तो वो दंड प्रक्रिया संहिता या किसी भी दंड विधि के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गुजरना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पद पे है या किस पद नाम का व्यक्ति है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि खासकर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई भी दंड प्रक्रिया शुरुआत करने से पहले कुछ दिशा निर्देश का पालन करना आवश्यक है। जैसे अगर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी करनी है या कोई प्रक्रिया चलानी है तो सबसे पहले उस न्यायिक अधिकारी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी अगर जिला न्यायालय में है तो जिला न्यायाधीश की पूर्व अनुमति, अगर उच्च न्यायालय में है या सर्वोच्च न्यायालय में है कि उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किसी प्रकार की दंड प्रक्रिया उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ चलाई जा सकती है, अन्यथा नहीं। दूसरा ये कहा गया है कि अगर गिरफ्तारी करना जरूरी हो गया है तो वो गिरफ्तारी तभी करेगा, यानी पुलिस ऑफिसर ऐसे न्यायिक अधिकारी गिरफ्तारी तभी करेगा जब वो इस बात का आश्वस्त हो जाए कि ऐसा करने से या किसी हिंसा को रोक सकता है या किसी के जीवन के खतरे को रोक सकता है तभी, अन्यथा उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगला ये दिशा निर्देश है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी का कोई भी बयान, पंचनामा हो, मेडिकल परीक्षण हो या प्रक्रिया संबंधित कोई भी कार्य हो वो तभी किया जाएगा जब उनके बगल या उनके साथ उस न्यायिक अधिकारी के कानूनी सलाहकार होंगे। यानी जो भी प्रक्रिया चलाना है, खासकर बयान लेना है या मेडिकल टेस्ट कराना है यानी मेडिकल परीक्षण कराना है तो वो तभी होगा जब उस न्यायिक अधिकारी के कानूनी सलाहकार उनके साथ होगा। अगला दिशा निर्देश ये है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले आप कंसर्न अथॉरिटी से प्रायर परमिशन लेंगे ही, साथ ही उस न्यायिक अधिकारी को आप विधिवत सूचित करेंगे कि किस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ ही उनके परिवार वालों को और उनके सलाहकार या सगे संबंधी को पूर्व सूचित करना अति आवश्यक है, उसके पश्चात ही गिरफ्तार किया जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान पुलिस अफसर को रखना पड़ेगा कि न्यायिक अधिकारी न्यायिक अधिकारी है, उसके साथ थोड़ा एक सम्मानपूर्वक
सम्मान पूर्वक व्यवहार करना ही पड़ेगा, चाहे वो इस वक्त आरोपित ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता आप किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं मान सकते। आगे चले तो हम देखते हैं कि ऐसे कोई भी जज या मजिस्ट्रेट हो या कोई न्यायिक अधिकारी हो, उनको विभिन्न अलग अलग अधिनियमों में काफ़ी सुरक्षा प्रदान की गई है, जैसे कि धारा 77 सेक्शन 77 ऑफ द इंडियन पैनल कोड भारतीय संहिता 1860 में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई न्यायिक अधिकारी अपने न्यायिक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान कोई ऐसा कार्य या ऐसी कोई बात अनुचित कह जाता है या कर जाता है, और अगर वो सद्भावना पूर्वक किया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती कि वो अकृत हो गया है। नेक्स्ट है सेक्शन 135 ऑफ द CPC यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 में भी ये बात कही गई है कि कोई भी सिविल प्रक्रिया संहिता या दीवानी मामले ऐसे जज या मजिस्ट्रेट के खिलाफ नहीं चलाई जा सकती, खासकर तब जब वो किसी न्यायालय में पीठासीन हो या न्यायालय से आ रहा हो या न्यायालय से न्यायालय को जा रहा हो, यानी उसके न्यायिक कर्तव्य के दौरान, यानी जब वो पीठासीन न्यायालय से आ रहा हो या न्यायालय की तरफ जा रहा हो, उस दौरान कोई भी दीवानी प्रक्रिया के अंतर्गत न उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा न ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अगला है सेक्शन 197 ऑफ द CRPC यानी धारा 197 दंड प्रक्रिया संहिता, जो ये साफ साफ कहता है कि किसी भी जज या मजिस्ट्रेट या जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ कोई भी दंड प्रक्रिया संहिता तभी चलाई जाएगी जब उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो हेड है, जैसे जिला न्यायालय है तो जिला जज, और अगर उच्च न्यायालय है तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और अगर सर्वोच्च न्यायालय है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राय अनुमति के बाद ही किसी प्रकार का दंड प्रक्रिया चलाई जा सकती है। एक बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अगर किसी दंड प्रक्रिया या कोई भी कानूनी उल्लंघन अगर होता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की दिए हुए प्रावधान के अंतर्गत ही किसी दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की हर प्रावधानों जो उस पर लागू होता है उसका विधिवत पालन होना जरूरी है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक न्यायिक अधिकारी है तो हम या कोई पुलिस अधिकारी किसी प्रकार का छूट या सहूलियत दे दिया जाए ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये बात है कि हमारे न्यायिक अधिकारी के पक्ष में काफ़ी अधिनियमों में प्रावधान दिए गए हैं, इसका कुछ मैंने जिक्र किया हुआ है, और उसका पालन विधिवत होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जजेस बेंच के प्रिसाइडिंग हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस केहट, एक जस्टिस करणम कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग जज थे, उनको एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत सजा सुनाई, और ये सजा दिया कि जस्टिस करणम क्रिमिनल कंटेम्प्ट के पैनलों के अनुसार उनको 6 माह का कारावास, और जब तक कारावास चल रहा है तब तक न तो वो कोई प्रशासनिक कार्य न ही कोई न्यायिक कार्य करेंगे, यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के एक्टिंग जज
को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत 6 महीने की सजा और प्रशासनिक और न्यायिक कार्य से विरक्त रहने को बाध्य कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान के संरक्षक हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने विधिवत जब जब जरूरत पड़ी है उन्होंने संविधान की सुरक्षा के लिए ऐसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उन्होंने वो हर प्रकार के कार्य किए हैं जिससे कि हमारे संविधान की सुरक्षा हो सके। इसलिए आप लोग ये मान के चलिए कि कोई भी अगर व्यक्ति चाहे किसी पद पदनाम का क्यों ना हो अगर वो अकृत करता है या इलीगल एक्ट करता है तो उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई की जाएगी जैसे कि एक आम व्यक्ति के खिलाफ होता है। हाँ, ये बात अलग है कि दंड प्रक्रिय संहिता के हर प्रावधान का सही से पालन होना जरूरी है जिससे कि सही न्याय मिल सके और कोई भी इनोसेंट व्यक्ति इस आरोप के अंतर्गत न फंस पाए। इसलिए टेक केयर योर सेल्फ, बी प्रोटेक्टेड एंड बिलीव इन द जुडिशरी। शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।